कार वॉशिंग का काम स्टार्ट करना है और सोच रहे हैं कि क्या क्या सामान लेना पड़ेगा, तो ये वीडियो काम की है आपके। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदीप और आप देख रहे हैं मंदीप ब्लॉग्स। तो इस चैनल पे मैं लेके आता हूं मशीन टूल्स, पावर टूल्स और मशीन रिलेटेड टेक्नोलॉजी की वीडियोस। तो अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे टूल दिखाऊंगा जो एक आपको कोई कार वॉशिंग का या बाइक वॉशिंग का काम करने के लिए ज़रूरी हैं, और उनकी डिटेल में आपको डिटेल भी देंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, कार वॉशिंग का या बाइक वॉशिंग का कोई भी काम करना है तो इन टूलों के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो वो जो ज़रूरी टूल हैं मशीन्स के, तो उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस तरफ हमारे पास हैं वैक्यूम क्लीनर। तो कंपेसिटी अलग अलग है, ये छोटी कंपेसिटी में है, ये बड़ी में मैं वीडियो में आगे आपको बता रहा हूँ। तो उसी हिसाब से यहाँ मैंने दो कार वॉशर रखे हुए हैं, ठीक है। एक तो ये हैवी ड्यूटी में है, तो किसी ने ज़्यादा लोड है उसके पास अगर गाड़ियों का, तो उसी हिसाब से इसको ले। इससे हैवी भी मिल जाएंगे, अभी अवेलेबल हमारे पास ये था तो मैंने ये यहाँ पर रख दिया। और अगर बाइक वॉश वगैरह का काम करना है तो ये। और उसके बाद मेन जो हमें टूल चाहिए पॉलिशिंग वगैरह के लिए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक कार पॉलिशर रखा हुआ है। और वॉशिंग आजकल जो हो रही है वो हो रही है फोम के थ्रू, तो फोम के लिए हैवी में भी एक हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। और लाइट में भी ये ऑप्शन है, और एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ये है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में मैं वीडियो में जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं सब बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैक्यूम क्लीनर से। तो यहाँ पे हमारे पास 80 लीटर की कैपेसिटी में, 60 लीटर की कैपेसिटी में, और उस तरफ एक 30 लीटर की कैपेसिटी में वैक्यूम क्लीनर पड़ा है। तो जिस भाई के पास अगर आपके वर्क स्टेशन पे आपके पास लोड ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप 80 लीटर की कैपेसिटी देख सकते हैं। काफ़ी हैवी ड्यूटी में 2500 वाट की मोटर के साथ ये वैक्यूम क्लीनर आता है, और स्टेनलेस स्टील की बॉडी का है और ड्राई वेट दोनों के लिए काम करेगा। तो प्रोफेशनली यूज़ वाले ही मैं प्रोडक्ट इसमें दिखा रहा हूँ आपको। तो उसके बाद अगर थोड़ा कम कैपेसिटी में लेना है तो 60 लीटर की कैपेसिटी में यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी की हुई है, मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूँगा, वो चेक कर लेना। तो वहाँ 32 लीटर में है, तो इसकी 2100 वाट की मोटर है और उसमें हमें 1700 वाट की हैवी ड्यूटी मोटर मिलती है। और मेन टूल अगर साथ में आप मतलब पानी निकालना है तो उसी हिसाब पे आप इस एयर कंप्रेशर को भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इन मशीनों में भी कुछ मशीनों में काम आएगा। तो उसके बारे में मैं वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो नॉर्मली आपने अगर बाइक का काम करना है, बाइक ऑटोमोबाइल में आपका, तो अगर आप बाइक वॉशिंग का काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये वाला जो सेट है ये आपके बहुत ही अच्छा काम आ जाएगा। तो 2100 वाट की कॉपर बाइंडेड हैवी ड्यूटी मोटर है, डबल कटआउट के साथ ये वॉशर आता है, ठीक है। तो जितना भी आपने लंबा काम भी करना हो तो बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो उस तरफ इसकी कम से कम 20 फीट की इसकी जो हॉज मिलती है साथ में वो है, और इस तरह से ये गन हो जाएगी। तो इससे बड़ा ही अच्छे तरीके से हम काम ले सकते हैं अपना कोई भी टू व्हीलर धोने के लिए, ठीक है। तो बात करें अगर फोर व्हीलर के लिए, तो फोर व्हीलर के लिए ये हैवी ड्यूटी में है, ठीक है। और मूवेबल है, कम्पैक्ट साइज़ में है, छोटे साइज़ में मशीन है ये, कोई बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें इसकी मोटर की, तो इसमें 1.5 HP की हैवी ड्यूटी कॉपर बाइंडेड मोटर मिलती है, और वाटर थ्रो भी बहुत अच्छा है इस मशीन का। और सबसे बड़ी यूनिक चीज़ है कि जो बड़े बड़े सेटअप लेते थे वो, उसमें आपको छोटे सेटअप में ही आपका वो वाला काम हो जाएगा। तो ये मशीन हो गई दोस्तों। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगा भी ये किस तरह काम करेगा। तो ये जो ब्रास का कंपोनेंट देख रहे हो वो यहाँ पे इसके आगे लग जाएगा, और नीचे बॉटल में फोम आ जाएगी। तो इस मशीन के लिए आप इससे फोम थ्रो कर सकते हैं, बड़ा इजीली है, ठीक है। और आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है ये फोम वॉश भी, ठीक है। अगर आप कार पर्पज़ के लिए देख रहे हैं तो न्यूमेटिक्स मतलब हवा के द्वारा आप आप चाहते हैं कि आप फोम को स्प्रे करना चाहते हो, तो वहाँ पे ये कंप्रेशर आपके काम आएगा। तो इस कंप्रेशर की मदद से आप इस कंटेनर को भी यूज़ कर सकते हैं फोम के लिए। तो उसका कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आप फोम डाल देंगे और यहाँ से फोम थ्रो हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी है। और उसके बाद ये हमारे पास जो पड़ा है ये बड़े वाला है। तो ये वाला बड़े वाला फोम वॉश है, तो इसमें भी उसी तरह है, सिर्फ इसमें क्या है, ये जो बॉटल है उसमें बॉटल छोटी देखने को मिलती है, इसमें बॉटल बड़ी है और ये इसका थ्रोअर है। तो ये भी उसी मशीन के साथ, ठीक है, आप इसी के साथ अटैच करके कंप्रेशर के साथ इस मशीन से भी फॉर्म को कर सकते हैं। पर ये वहाँ पे वर्क करता है जहाँ आपका हैवी लोड है, आपके पास 20-30-50 गाड़ियाँ आ रही हैं रोज़ की, तो आप एक बार यहाँ से केमिकल डालकर अपना अंदर फॉर्म बना सकते हैं और प्रेशर की मदद से, ठीक है, तो वो फॉर्म स्प्रे होता रहेगा सारा दिन। इस तरफ आप देख सकेंगे तो गेजेस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है और 304 हैवी स्टील मटेरियल में बना हुआ प्रोडक्ट है ये, तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई टेंशन वाला प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। और जब हमने गाड़ी हमारे पास आ गई, हमने गाड़ी पहले वैक्यूम भी कर दी, उसको क्लीन भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद गाड़ी को धो भी दिया इसकी फॉर्म वॉश की मदद से, तो हमने धो दिया। अगर आप साथ में एक एडिशनल काम करना चाह रहे हैं कंपाउंड का, पॉलिशिंग का, तो वहाँ पे ये जो पॉलिशर है, ठीक है, तो ये आपके बहुत ही काम की मशीन है, तो ये भी अच्छी अर्निंग का सोर्स बन सकता है। तो इस मशीन की मदद से आप पॉलिश का, बफिंग का कोई भी काम बड़ा ईजीली कर सकते हैं। तो ये 1200 वॉट की कॉपर वाइंडेड मशीन है दोस्तों, ठीक है जी, और बहुत ही हैवी ड्यूटी में ये मशीन है और इसमें वेरिएबल स्पीड है, आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्पीड एडजस्ट करने का दिया हुआ है। तो आप इसकी चक्र की रोटेशन जितनी लाइट स्पीड में चाहते हैं तो बड़ा इजीली इससे ले सकते हैं। बाकी इन सारे प्रोडक्टों की मैंने अलग अलग से वीडियो कर रखी हैं, तो डिटेल में अगर एक एक प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैं यहाँ ऊपर आई बटन में, इस तरफ आई बटन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पे आप देख के आई बटन में इन प्रोडक्ट के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, प्राइजेस वगैरह जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि मैं आपको एक ब्रीफ डिटेल दूँ कि अगर कार वॉशिंग का आप काम करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट आपके काम के हैं और किन किन चीज़ों पर आपको इन्वेस्ट करना वर्थ होगा, तो वहाँ पर ज़रूर इन्वेस्ट करें। बाकी दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं इस तरह की किसी और टूल की वीडियो में। बाकी इन प्रोडक्टों को अगर परचेज़ करना चाहते हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे उन नंबर पे कॉल करके इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं।